में झुलसे 5 लोगों की मौत के मामले में कैबिनेट मंत्री पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मैनपुरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के माधव नगर निवासी राम बहादुर प्रजापति का होली के समय मामूली विवाद पड़ोस में रहने वाले मुरारी लाल से हो गया था, जिसको लेकर मुरारी लाल राम बहादुर से बदला लेने की फिराक में रहता था। आखिरकार 18 जून को मुरारी लाल ने पीड़ित के घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे घर में सो रहे रोली शिखा, सरला देवी और राम बहादुर के साथ साथ 2 वर्षीय मासूम माधव गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें धीरे धीरे 5 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मैनपुरी में सियासत तेज हो गई। पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। घटना की सूचना पाकर पीड़ित परिवार से माटी कला बोर्ड के कैबिनेट मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 5 लाख रुपए का चेक दिया है और उन्होंने हर संभव मदद करने की भी बात कही है। वहीं कैबिनेट मंत्री से परिजनों ने परिवार की एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की भी मांग की है। कैबिनेट मंत्री के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष आलोक गुप्ता के अलावा जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे मौजूद रहे। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। एक 3 का था चेक और एक 2 लाख का चेक था सर। अब जो भी करके हैं बोल रहे हैं और भी करें बुलवाएंगे। क्या मदद का आश्वासन, क्या तुमने कहा, क्या समस्या? मैंने कहा मुझे तो यहाँ से रहना नहीं है। अच्छा। और एक छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे हम अपना घर पे आगे मतलब हासिल कर सकें और देखभाल कर सकें। हमारे तो आश्वासन देखे गए जी, चेक देते गए हैं और बोल रहे हैं जहाँ तुम रहोगे वहाँ रहने की व्यवस्था करवा देंगे और भी हैं जो आगे बढ़वाएंगे। देखिए दुर्घटना तो भयावह थी, दिल हिलाने वाली घटना थी। पहले जब आई हम तो उसके बाद में जहाँ जहाँ जिस स्तर पर हमें बात रखनी चाहिए कि हम रख चुके, और एक हफ्ते पहले ही लगभग ये राशि आ चुकी थी। हमने ही यहाँ के जिलाधिकारी से मना किया था कि हम थोड़े अयोध्या में जो व्यवस्था करानी थी, और उसके बाद हमने कहा 6 तारीख को हम लोग आते हैं तो व्यवस्था अभी इस मोहित के नाम से एक 5 लाख की व्यवस्था ये की है। आज भी हम और प्रयास करके आए हैं, आगे भी प्रयास करेंगे। इसकी जो संभव हो सकती है उस परिवार की हम पूरी मदद करेंगे। रहने सहने की व्यवस्था जो जैसी संभव हो सकती है अपने प्रयास से इसके लिए करेंगे। वहीं सर एक चाहे राजनीतिक पार्टियां रही हो, जो भी व्यक्ति आया हो, विशेष जात को टारगेट किया जाए। देखिए इसमें तो ये है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब टारगेट करने की तो सरकार में जब होते हैं तो विपक्ष के लोग अपना कोई ना कोई मुद्दा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि उसी के तहत ये विषय हो। अब आपको पता ही है सब मजिस्ट्रेटी बयान हुए थे उनके, और वो भी पता है आपको कि सारा सब कुछ हो चुका है। तो हम इसमें जो क्या कह सकते हैं, दूसरा व्यक्ति कौन क्या कह रहा है इसमें, हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते। कहने वाले अब विपक्ष के लोग क्या क्या कहेंगे, क्या क्या नहीं कहेंगे। विपक्ष के लोग तो हो सकता है आज के बाद भी कुछ कहें। तो हम इस हमें पीड़ा है इस परिवार की के बहुत कुछ इन्होंने खोया है। जितना संभव हो सकता है व्यक्तिगत तौर से भी जो संभव हो सकता है वो मदद करेंगे। शासन स्तर से जो संभव हो सकती है, जहाँ स्तर पे हमें बात रखनी चाहिए हम रख चुके हैं और भी रखेंगे। जहाँ रखना हो जो संभव होगा इसकी मदद करेंगे। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.